हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष आर्या। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सपोज अर्थ में। दोस्तों ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं जा रहा हूँ कहाँ? हेलीकॉप्टर स्टेशन पर। कौन कौन जा रहे हैं? तो हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं हरिद्वार घूमने। तो बारिश का मौसम भी है, ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट हरिद्वार। ट्रेन का नाम नैनी दून करके है जो 8:30 बजे है। तो बाकी का सारी चीज़ आपको मैं आगे दिखाता रहूँगा जो जो जहाँ पर भी हम विजिट यहाँ पे करने वाले हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन एंड एग्जिट आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ क्या चाहिए, क्या चल रहा है यहाँ पे? आरटीपीसीआर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आरटीपीसीआर, यहाँ पे रिपोर्ट चेक हो रही है, जो कोविड की जांच होती है कि हाँ आपने टेस्ट कराया है या नहीं कराया है, वो यहाँ जाँच चल रही थी। इधर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मौसम यहाँ पे हुआ है और मनसा देवी हमें यहाँ चमक चुकी हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है यार, कैमरा तो इतना डिटेलिंग नहीं दे पाएगा लेकिन जब आंखों से सामने देखते हैं तो क्या ही बात यार आ जाती है। तो दोस्तों आपने सुबह से लेकर अब तक देखा, मैं जहाँ पे भी विजिट करा वहाँ पे आपको मैंने दिखाया। मैं आपको बोल के नहीं बता पाया क्यों, क्योंकि ज़्यादा नॉइस हो रहा था, मेरी आवाज़ आपको क्लियरली नहीं आ रही होगी, जिस वजह से पूरी तरह से आपको यहाँ पे नहीं पता लग पाया। अब हम जाएंगे मनसा देवी, जो सामने इधर आपको दिख रहा होगा, यहाँ मनसा देवी हम जाने वाले हैं ऊपर। तो ऊपर चढ़ाई करेंगे, पैदल ही जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा जैसा उस रास्ते में। तो ज़्यादा नॉइस आपको नहीं मिलेगा तो मेरी वॉइस भी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट डे का जो प्लान है, यहाँ पे हम जाएंगे ऋषिकेश योग नगरी रेलवे स्टेशन, वो भी आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, जो नया रेलवे स्टेशन है। पहली बार मैं विजिट वहाँ पे करने वाला, एक बार पहले किया था जब वो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। उसके बाद अब मैं आपको नीलकंठ पे जाऊँगा, वहाँ का भी थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाऊंगा, क्या माहौल वहाँ का चल रहा है। तो दोस्तों चलिए अब आगे का देखते हैं किस तरीके से चढ़ाई करते हैं अपनी मनसा देवी की। चलिए तो दोस्तों ये मेरी भतीजी आज बहुत जिद कर रही है, सेल्फी स्टिक खरीदी है, मैंने इसकी सेल्फी स्टिक ले ली और पीछे मेरी फैमिली सारी खड़ी हुई है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे कि आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इधर घूम के, ये हमारे गुरुजी हैं और ये मेरे बिग ब्रदर पीछे यहाँ पे आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, और पीछे और मेरे फैमिली मेम्बर खड़े हुए हैं और चलते हैं यहाँ से। तो मैं पैनोरामा करके आपको दिखा देता हूँ क्या दृश्य यहाँ का हो रहा है। ये जहाँ हम यहाँ पे स्टे किया था, हमने यहाँ पे काफ़ी शांति दिखाई देती है, हमने यहाँ पे बैठ के खाना भी खाया था, सारे काम हमने यहीं पे किए थे। तो चलिए बाकी की वीडियो आपको रास्ते में दिखाता हूँ किस तरीके का हमारी जर्नी आगे की रहने वाली। तो यहाँ स्टार्ट होती है हमारी मनसा देवी की जर्नी और ऊपर चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ देख सकते हैं रेलवे लाइन जो इस पहाड़ के नीचे से होके निकलती है, ये गुफा, यहाँ से ट्रेन निकलती है, शायद अभी नहीं गुजर रही है। Thank you.
भी है क्या? क्या नज़ारा है, अमेजिंग। दोस्तों अभी आधा सफ़र यहाँ पे आया है और आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप कभी यहाँ इधर आते हैं तो आप अपना जो सामान है वो नीचे ही रख दें, क्योंकि यहाँ चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत पसीना आ जाता है। अभी यहाँ पे धूप नहीं है तब आप देख सकते हैं कितना पसीना यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों आपको एक अब तक का सबसे अमेजिंग नज़ारा मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। थोड़ा पहाड़ से जाऊँगा, मंदिर का भी नज़ारा आपको दिखाऊँगा, और इधर से मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा निकल के, जय राम जी की। और थोड़ा यहाँ से निकलते हैं कि थोड़ा टिपिकल रास्ता है। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है यार। इधर सामने अपना टेंपल, मनसा देवी टेंपल आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने, अमेजिंग यार। पीछे मनसा देवी का मंदिर है आप देख सकते हैं पीछे, और इधर मैं पैनोरमा करके आपको दिखा देता हूँ क्या नज़ारा है यार। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है, जिस वजह से सभी लोग इधर इकट्ठा होते हैं। चलिए बाकी का मिलेंगे अगला नीलकंठ का, जब चलेंगे उधर का आपको दिखा। जाने का तो हम यहाँ ऋषिकेश आए हैं त्रिवेणी घाट पे, और आप यहाँ पे देखेंगे कुछ नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ, जो गंगा है उसका जो पानी है उसके पानी के ऊपर कैसे आपका यहाँ क्लाउड क्रिएट यहाँ पे हो रहा है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर सड़क से नीचे यहाँ पे उतरा, जो ये रास्ता है गंगा के पास से त्रिवेणी घाट पे, तो यहाँ पे एक अलग ही इन्वायरमेंट मुझे देखने को मिला। थोड़ा सा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल जैसे होता है, इस तरह का देखने को मुझे मिला। लेकिन मुझे आज ये अजीब सा यहाँ पे लग रहा, क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पे विजिट किया है तो इस तरह का गंगा के ऊपर जो क्लाउड क्रिएट यहाँ पे हो रहे हैं आपको मैं दिखा दूँ पास से थोड़ा, ये मैंने कभी पहले यहाँ पे नहीं देखा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये हमारी गंगा है ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से हम यहाँ चल रहे हैं, तो यार अमेजिंग है यार। सामने कैमरा से तो आपको इतनी डिटेलिंग नहीं लग रही, लेकिन सामने यहाँ पे अजीब सा फील यहाँ पर, यानी मज़ेदार फील यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं त्रिवेणी घाट यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ काफ़ी तेज़ वर्षा हो रही है जिस कारण नीलकंठ जाने का हमारा प्लान कैंसिल यहाँ पे हो चुका है। सामने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आरती स्थल है, एवरीडे यहाँ पे आरती होती है,
और मैं कुछ और आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, जूता आप यहाँ पे रख सकते हैं, जूता चप्पल सारी चीज़ें आप यहाँ पे उतार सकते हैं। और इधर इंस्ट्रक्शंस चालू हैं इस स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा मौसम है, बढ़िया है। इधर आप देखो आरती स्थल इसे है, यहाँ पे आप नीचे स्नान भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी नहीं होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रतिमा यहाँ पे लग रही है, बढ़िया देखने में। तो और आगे यहाँ पे चलते हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बारी बारी करके दिखाता हूँ क्या क्या कैसे यहाँ पे है। कभी कभी ऐसा होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे रेत है, यहाँ पे यहाँ तक पानी चलता है। जब ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है तो कितना पानी यहाँ पे भी चलने लगता है। जहाँ आप गंगा देख रहे होंगे पीछे, ये सारा पानी कभी कभी यहाँ पे चलने लगता है। जैसे आप रेत यहाँ पे देख रहे होंगे, सभी रेत इसी वजह से यहाँ इकट्ठा हो गई है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने ये वाली जो मूर्ति है हमारे शिव जी और हमारी पार्वती जी हैं माता जी, इनकी प्रतिमा आपने देखी होगी अक्सर फोटोज़ में, ये ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर आपको देखने को मिलती है। और सामने ये आपको जो पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे हमारा नीलकंठ महादेव जो है उनका स्थान है, जो यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा है क्लाउड्स के कारण। आप यहाँ पे गंगा को आसानी से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये इधर का नज़ारा भी कुछ देखने लायक बनता है। मैं थोड़ा पैनोरामा करके आपको धीरे से आपको दिखा देता हूँ। बहुत सुकून मिलता है इस यहाँ पे आके। अगर आप कैमरा में तो वो फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगने वाला है। और इधर ये पेड़ के जो तने हैं टूट के पहाड़ से, वो इधर भी आके बढ़ जाते हैं। मतलब कि आप देख रहे होंगे कितना है यहाँ पे। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो और सीढ़ियाँ हैं, वो यहाँ पानी में डूबी हुई हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यार, मुझे तो काफ़ी अच्छा या अट्रैक्टिव है। आप कभी यहाँ पे घूमने आए तो ज़रूर यहाँ स्टे ज़रूर करें। अगर आप हरिद्वार आने का सोचें तो ऋषिकेश त्रिवेणी घाट ज़रूर यहाँ पे आएं। मैं आपसे यही बोल, यहाँ पे आ चुका हूँ योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दिन में मैं यहाँ पे विजिट नहीं कर पाया क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो गई थी, जिस वजह से दिन में यहाँ पे विजिट नहीं कर पाया। क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन था, वहाँ पे हम रुके हुए थे। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो 8:50 पे है, तो हम यहाँ पे अभी पहुँचे। अभी का समय जो यहाँ पे समथिंग हुआ है वो 7:30 का यहाँ पे हुआ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नए रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखने को यार बनता है। दिन में क्या यहाँ पे मौज आ सकती है वो आप यहाँ पे जब कभी यहाँ पे आएंगे विजिट करेंगे तब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे लेके चलने वाला हूँ। जैसा कि आप जो हरिद्वार में आपको मूर्ति देखने को मिलती है शिव शंकर जी की, उसकी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ क्या यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे मूर्ति आपको साफ साफ दिखाई यहाँ पे दे रही होगी। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ क्या बढ़िया नज़ारा यहाँ पे आ रहा है। और काफ़ी स्पेस है यार, जो ओल्ड ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है उसके कंपैरिजन में ये तो 4 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे होगा, 4 या 5 गुना भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनोरामा करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या यहाँ का नज़ारा है। और नंदी जी यहाँ पे विराजमान हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का मेरा सफ़र था, बाकी छोटा सा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा आगे का, ट्रेन में जिस तरह से बैठूंगा अगर थोड़ा अंदर का भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये ब्लॉग मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रेन की वजह से थोड़ा हमारा मामला चौपट हो गया था, जिस वजह से हम पूरी तरीके से मैं आपको ब्लॉग में और जान यहाँ पे नहीं डाल पाया। जैसा भी था फर्स्ट टाइम मैंने किया है, आपको कैसा लगा मुझे बताना। और साथ में अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग जो मैंने यहाँ पे बनाया है। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक करना इसे, और आगे का जो भी रहेगा वो मैं आपको डाल दूंगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पे क्लिक करना, जिससे इस तरह की नेचर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। चलो दोस्तों मिलेंगे किसी एक नए ब्लॉग में या नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।